तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप. नाउ स्किन टाइप जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, लाइक द ड्राई स्किन टाइप, द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड द ऑयली स्किन टाइप. फाउंडेशन बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं. लिक्विड फाउंडेशन जो बेसिकली ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छे होते हैं, स्टिक फाउंडेशन जो कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए अच्छे होते हैं, मोस्ट फाउंडेशन जो बेसिकली ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को प्रेफर करना चाहिए, वेयर एज पाउडर फाउंडेशन. तो मेरा जो बेसिकली स्किन टाइप है वो ड्राई है. तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप कौन से स्किन टाइप के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. वो पता करने के बहुत ही सिंपल है. आप अपनी स्किन टाइप कैसे पता करें, आप सुबह उठिए, अपना जाके नॉर्मल जिस तरह से आप फेस वॉश करते हैं उस तरीके से आप फेस वॉश कीजिए, और जब आप फेस वॉश करके बाहर निकलेंगे एंड यू व्हेन यू टॉवल ड्राई योर हेयर, लाइक टॉवल ड्राई योर फेस, तो क्या होता है आप उसके बाद मॉइस्चराइज मत कीजिए, लेट इट सेट फॉर सम टाइम. आप थोड़ी देर उसको वैसे ही छोड़ दीजिए. अगर थोड़ी देर बाद आपका चेहरा आपको बहुत ड्राई फील करेगा, लाइक द स्किन विल मेक यू फील टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजिंग एजेंट टू योर फेस, दैट इज व्हेन यू डिटरमाइन कि आप कौन से ड्राई कैटेगरी या फिर ड्राई स्किन टाइप के आप हो. सेकेंडली आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, वो कैसे पता चलेगा कि आपका क्या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है. बेसिकली आपका जो टी जोन है, आपका ये जो टी जोन है, यहाँ पे आपके ऑयल, आपके फेस ऑयल छोड़ने लगेगा, आपका यहाँ का चेहरा ऑयली दिखेगा बट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर फेस इज कम्प्लीटली ड्राई, दैट इज वेन यू कैटेगराइज योर सेल्फ एज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. वेयर एज थर्ड कैटेगरी जो होती है वो ऑयली स्किन टाइप की होती है, जहां पे आपका फेस वॉश करने के बाद थोड़ा भी आपको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योर फेस ऑटोमेटिकली लूजेज ऑयल फ्रॉम द स्किन, आपका स्किन ऑयल छोड़ता है और आपके चेहरे पे वो सारा ऑयली दिखता है. सो दैट इज वेन यू कैटेगराइज योर सेल्फ एज एन ऑयली स्किन टाइप.